हेमलेट के बारे में जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हेमलेट जो है ना हेमलेट एक कहानी है एक शहजादे की। और होता क्या है कि वो जो शहजादे का बाप होता है ना उसकी अचानक से डेथ हो जाती है। जब उसकी अचानक से डेथ होती है तो वो जो शहजादे का चचा होता है वो उसकी माँ से शादी कर लेता है, जिसकी वजह से हेमलेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है कि ये अचानक से बाप की डेथ भी हो गई और जो है मेरी माँ की शादी भी मेरे चचा से हो गई। उसको एक शक होता है कि ये जो मेरा चचा है ना जिसका नाम क्लॉडियस होता है, एक्चुअली वो उसी को अपने बाप का, उसको शक होता है कि किसी ने मेरे बाप को कत्ल किया। अब इसी रिवेंज के ऊपर ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से वो हकीकत तक पहुंचता है और किस तरीके से उसको इस पूरी हकीकत का पता चलता है कि हैमलेट के बाप का भूत आता है और देन फाइनली वो भूत उसको बताता है कि मेरे भाई ने, यानी कि हैमलेट के चचा ने ही जो है हैमलेट के बाप को कत्ल किया और जहर दे के कत्ल किया। दूसरी तरफ एक तरफ हैमलेट ये इरादा कर रहा होता है, ये प्लान कर रहा होता है कि उसको अपने चचा को जो कि उसके बाप का कातिल है, क्योंकि उसके बाप की रूह बाप का भूत उसको कहता है कि तुम्हें मेरे कत्ल का बदला लेना और तुम्हें उस मेरे भाई को यानी कि हैमलेट को अपने चचा को कत्ल करना और बदला लेना। अब हैमलेट ये कहता है कि महज इस बात पे कि मेरे बाप का भूत आया और उसने मुझे कहा, इस बात पे अगर मैं अपने जो फादर है उसको कत्ल करता हूँ तो लोग कहेंगे शायद मैं पागल हो गया हूँ, तो कौन मानेगा कि वाकई उसका उसके बाप का भूत नजर आया था और उसने इस तरह से मुझे कहा था। तो फाइनली एक तरफ से हैमलेट प्लान करता है, तो हैमलेट जो है वो पागल होने का वो कहता है कि चलो अब इन सारी चीजों को छुपाने के लिए, क्योंकि हैमलेट को पता होता है कि उसका जो चचा होता है उसका नेक्स्ट टारगेट अब हैमलेट है, और वो थ्रू आउट हैमलेट के ऊपर नजर रखे हुए है कि किसी तरह जो है वो कि कहीं हैमलेट को ये पता ना चल जाए कि उसके चचा ने उसके बाप को कत्ल किया। और उसके चचा को ये भी शक होता है कि हैमलेट को किसी हद तक वो समझता है हैमलेट के इसके चचा ने उसको कत्ल किया उसके बाप को। तो एक तरफ तो हैमलेट जो है वो एक चाल चलता है, हैमलेट जो है वो ये करता है कि भाई मैं जो हूँ पागल होने का एक एक्टिंग करता हूँ ताकि मेरा चचा जो है उसकी तवज्जो मेरे ऊपर से हट जाए और वो मुझे ये समझे कि ये अब पागल हो गया इसलिए ये मेरे रास्ते से हट गया है, तो इस वजह से वो फिर इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होगा हैमलेट के मामले में। दूसरी तरफ जो उसका चचा होता है वो ये प्लान करता है कि वो किसी तरह हैमलेट को कत्ल कर दे। वो बहुत सारी प्लानिंग करता है क्योंकि वो जाहिर बात है उसको शक तो होता है और उसके लिए बहुत बड़ी दीवार होता है हैमलेट। तो यही पूरी कहानी है हैमलेट की और कि उस किस तरीके से वो रिवेंज लेता है। बहरहाल बीच में काफी सारी एपिसोड्स होती हैं और तबस्सुम आपको मैं आज शेयर कर दूंगी, पीडीएफ आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, उसमें उर्दू समरी भी है, उसमें इंग्लिश समरी भी है, आपको सारी समझ आ जाएगी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अब उसी हैमलेट मैडनेस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो कि अभी मैं बात कर रही थी आपको कि हैमलेट की मैडनेस के बारे में, कि उसके बारे में क्या है। तो हैमलेट मैडनेस देख लेते हैं। तबस्सुम आपका माइक अभी भी ऑफ नहीं है, नीचे माइक का फेसबुक मैसेंजर के ऊपर माइक का बटन जो है उसको ऑफ कर लीजिएगा। इट हैज बीन अ कांस्टेंट हैमलेट्स मैडनेस इट हैज बीन अ कांस्टेंट हेडेक फॉर द क्रिटिक्स टू डिसाइड अबाउट द क्वेश्चन ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। के क्रिटिक्स के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था अबाउट हैमलेट मैडनेस, वेदर और नॉट द बॉन्ड्स ऑफ इंसैनिटी आर रियली ओवरपास बाय हिम। एट लीस्ट फोर डाइवर्जेंट व्यूज हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस कनेक्शन। चार व्यूज जो है इस कनेक्शन में देखे गए हैं, दैट ही इज मोर और लेस इनसेन आफ्टर हिज इंटरव्यू विद गोस्ट, दैट ही इज सेन थ्रू आउट बट फाइन मैडनेस। कि या तो वो वाकई पागल है थोड़ा या ज्यादा जब उसका इंटरव्यू हुआ गोश्त के साथ, या फिर वो जो है सेन है, मतलब वो इतना अक्लमंद है थ्रू आउट बट फेन्स मैडनेस, लेकिन वो मैडनेस शो करता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मैडनेस है। नंबर 3 है सी दैट ही इज नाइदर इनसेन, ना तो वो पागल था, नॉर डज ही रियली फेन टू डू बी सो, ना ही वो इस तरह की पागलपन कुछ करना चाहता था।
नंबर्स डी है दैट हिज मैडनेस इज लेस देन मैडनेस एंड मोर देन फेट, जो उसकी मैडनेस जो है वो मैडनेस से लेस देन थी और उसकी मैडनेस जो है वो मोर देन फेट थी. फेरन थिंक दैट हैमलेट इज कम्प्लीटली डिरेंज्ड आफ्टर हिज इंटरव्यू विद गोस्ट, के हैमलेट जो है वो कम्प्लीटली डिरेंज्ड हो जाता है जब उसका गोस्ट के साथ इंटरव्यू होता है, यानी कि दिमागी तवाजुन शायद वो खो बैठता है. His mind was affected from the first, the death of the father. और उसका माइंड जो है सबसे पहले कैसे अफेक्ट होता है, सबसे पहले जब उसके फादर की डेथ होती है, the hasty marriage of the mother, और अचानक से उसकी माँ की बड़ी मतलब 2 महीने बाद ही उसकी माँ की शादी हो जाती है उसके चचा के साथ, and the overthrow of royal hopes suddenly acted on the mind predisposed to gaiety and to mouthful follies. और उसकी जो एक होप होती है कि उसके बाप के बाद तो तख्त जो है वो हैमलेट को मिलना था, सीनियर हैमलेट के बाद जो तख्त था वो तो हैमलेट को मिलना था, लेकिन अब ये सारी चीजें जो है उसके माइंड के ऊपर एक गेटी और मौतफुल फॉलीज जो है उसके ऊपर एक्ट होना शुरू हो जाते हैं. इट इम्पार्टेड अ टिंच ऑफ मेलनकली, मेलनकली कहते हैं गम की कैफियत, टू हिज माइंड विच स्पीडली बाय इम्परसेप्टिबल प्रोड्यूस्ड एन इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट, a melody which aggravated and culminated in insanity. Doer Wilson, insanity yani ki phir kya hota hai wo a melody which aggravated, ek melody jo hai wo aggravate karti hai aur culminated in insanity, aur wo pagalpan mein jo hai wo culminate ho jati hai, turn over ho jati hai. Doer Wilson enumerates at least 7, aur Doer Wilson ne ye jo hai 7 जो है जो इंसैनिटी के 7 टाइप्स हैं वो यहाँ पे शो किए हैं, या 7 इंस्टेंसेस, सच इंस्टेंसेस व्हेन हैमलेट इज इनसेन, ऐसे इंस्टेंसेस जो कि हैमलेट जब पागल हुआ. द कैलरेज सीन, सबसे पहले वो जो सॉरी सैलरेज सीन, जो सैलरेज सीन हुआ जहाँ पे उसको भूत नजर आता है. हैमलेट विजिट टू ओफीलिया इन हर क्लोजेट, ओफीलिया के कमरे में जब हैमलेट उसको विजिट करता है. द हेक्यूबा सोलिकॉय, हेक्यूबा का जो सोलिकॉय होता है. द ननरी सीन, जो ननरी सीन होता है. द एंड ऑफ गोजैगो प्ले, और जो गोजैगो होता है वो जब उसका प्ले का एंड होता है. द क्लोजेस्ट सीन, और जब उसकी डेथ होने वाली होती है. द ग्रैपलिंग इन द ग्रेव विद लर्टिस, और जो ग्रैपलिंग होती है इन द ग्रेव विद लर्टिस, तो उसमें जो वो 7 ये एस्पेक्ट थे जिसमें हैमलेट जो था वो इनसेन था. To Dorden, he assumes madness as means of concealing his actual disturbance of mind. Dorden के लिए वो कहता है कि वो madness इसलिए assume करता है क्योंकि वो conceal कर सके his actual disturbance of mind. Normally एक इंसान जो है sometimes कुछ बात छुपाने लगता है तो कुछ अजीब अजीब हरकतें शुरू करता है, तो वो Dorden ये कहता है कि वो अपनी madness को इसलिए मतलब अज्यूम कर रहा था ताकि वो अपनी डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को कंसील कर सके, उसको छुपा सके. मोस्ट क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू दैट हिज इंसैनिटी इज फीन्ड अ डेफिनेशन ऑफ मैडनेस व्हिच इंक्लूड्स हैमलेट वुड स्वीप एट लीस्ट 3/4 ऑफ मैनकाइंड इनटू द मैड हाउस. ट्रू दैट ही लैक्स विल, हिज रीजनिंग इज ऑफन अनसाउंड, इज मेलनकली, बट दीज डू नॉट मेक अ केस ऑफ इंसैनिटी. Loyal says, "Is Hamlet? If Hamlet is irresponsible, the whole drama is chaos." Loyal ये भी कहता है कि Hamlet पागल नहीं था. अगर वो irresponsible होता, अगर वो insane होता, तो पूरे का drama, पूरा drama जो है वो एक chaos, यानी कि एक अजीबोगरीब ही शक्ल इख्तियार कर जाता. एक chaos कहते हैं वैसे तूफान के बाद जो एक क़यामत आ जाती है, तो पूरा drama एक क़यामत की कैफियत तारी कर देता. जी विल्सन नाइट पूरे ड्रामा पर एक जो है कैफियत तारी हो जाती क़यामत की. जी विल्सन नाइट, द सबस्टेलिटी ऑफ हिज इंटेलेक्ट डायरेक्टेड हिम टू दैट टोन ऑफ द वेवर्ड सरकास्ट इन विच व्हाइल ही अपीयर्ड टू अदर्स टू बी मेयरली वांडरिंग द बिटरनेस ऑफ हिज सोल माइट बी रिलीव्ड बाय द अटरेंस ऑफ वाइल्ड एंड हर्लिंग वर्ड. अब जी विल्सन नाइट जो है वो कहता है द सबटलिटी ऑफ कि उसकी जो इंटेलेक्ट की सबटलिटी थी एक्चुअली उसने उसको डायरेक्ट किया था
to that tone of wayward sarcasm, कि वो इस तरह की कोई सरकास करे, बेवकूफी करे या इस तरह की मैडनेस इख्तियार करे जिसके अंदर while he appeared to others to be merely wandering, जिसमें वो लोगों के लिए just एक wandering पागल कौन होता है, वो ऐसे ही लगता है ना जैसे इधर उधर wander कर रहा है, घूम फिर रहा है. Or the bitterness of his soul might be relieved by the utterance of wild and hurling words. Or वो जो लोग उसके बारे में wild और hurling words बोलें, तो शायद उसकी जो soul की bitterness है, उसको शायद कुछ सुकून मिले. एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो ये कहती है कि इंसान चीखता उस वक्त है जब उसको अंदर से रिलीफ चाहिए होता है, तो लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए वो पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको कोई अटेंशन नहीं मिल रही होती. तो जब वो चीखता है, इसलिए चीखता है कि दूसरा बोले, तो जब वो दूसरा इंसान उसको चीख के ही बोलता है, तो उसको अंदर से सुकून मिलता है कि अच्छा शुक्र है मेरी तरह ये तो चीखा. तो एक्चुअली उस इंसान को अंदर से टटोलने की कोशिश होती करनी चाहिए, रादर देन इसी तरह जो बच्चे होते हैं वो भी सम टाइम्स शाउट करना शुरू कर देते हैं, तो आगे से माएं भी शाउट करती हैं. तो होता क्या है, एक्चुअली उस वक्त शाउटिंग की जरूरत नहीं होती, उस वक्त बच्चे को साइकोलॉजिकली बिठा के ये पूछने की जरूरत होती है कि उसके अंदर दिमाग में ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है जिसकी वजह से आज उसको इतना शाउट करना पड़ा. तो दैट इज द रीजन. तो वो ये वही साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है वो दिखा रहा है कि मतलब वो तो इसलिए जो है इधर उधर वॉन्डर कर रहा था ताकि लोग उसके बारे में वाइल्ड और हर्लिंग वर्ड्स बोलें, ताकि उसकी बिटरनेस ऑफ सोल को थोड़ा सा रिलीफ मिले, उसको सोलेस मिले. पोलोनियस टू एक्सक्लेम्स. पोलोनियस कौन था, कौन था पोलोनियस भाई? हाँ जी दीदा, पोलोनियस कौन था, किसका बाप था? पोलोनियस एक दरबारी था, एक गार्ड होता है बादशाह के महल के अंदर. और पोलोनियस की जो बेटी होती है एक्चुअली हेमलेट उससे मोहब्बत करता होता है. तो ये वही पोलोनियस है जो उसके बारे में कहता है, दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट. पोलोनियस कहता है कि भाई हो सकता है ये मैडनेस हो, बेशक ये मैडनेस है, लेकिन इसके अंदर कोई मतलब जान है, मैथड है, यानी कि कोई चीज इसके अंदर कंसील्ड है. He is mad only with those he wants to deceive. ये सिर्फ उनके साथ mad होता था जिनको ये deceive करने की कोशिश करता था. He is never mad when with Horatio or alone by himself. ना तो वो Horatio के साथ mad होता था, ना ही उस वक्त mad होता था जब वो अकेला होता था. In every single instance in which his madness is manifested, he has good reason for assuming that madness. और हर single instance में जिसमें in which this madness is manifested, जिसमें ये मैडनेस जो है मैनिफेस्ट की जाती थी की जाती है, he has good reason for assuming that madness. तो वहां पे वो मैड होके दिखा देता था. When he is alone, we have the truth of him, but it is his madness which is on public exhibition. लेकिन ये मैडनेस ही थी जो कि पब्लिक एग्जीबिशन क्या होती है, पब्लिक को दिखाने के लिए वो यूज करता था. Further holds the view that Hamlet declaration of putting on an antic disposition is merely an accidental, unassimilated survival from the old Hamlet play. Furness ये point of view hold करता है कि Hamlet की declaration जो है of putting on an antic disposition, वो just क्या है, an accidental, unassimilated survival from the old Hamlet play. कि ये जो ओल्ड हैमलेट प्ले था उसी की अनएसिमिलेटेड सर्वाइवल फ्रॉम थी. हैमलेट हैड नो मोटिव इन फाइंडिंग मैडनेस, कि इसने जो इख्तियार की थी मैडनेस उसका कोई मोटिव नहीं था. द अजम्पशन हिंडर्स एक्शन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट, जो अजम्पशन थी वो इसके इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट इसके इर्द गिर्द हिंडर कर रही थी, घूम रही थी, वॉन्डर कर रही थी. हाउएवर Furness fails to notice Hamlet's declaration to the queen. Furness शायद ये fail हो गया, यानी कि Furness वो critic की बात हो रही है. यहाँ पे actually different critics की बात हो रही है कि उन्होंने different theories दी थी और उसी के ऊपर उन्होंने assume किया था इसको. However, Furness fails to notice Hamlet's declaration to the queen that he was mad on the ingraft. कि वो ये भूल गया था कि queen, जब queen ने ये declare किया था कि he was mad on the ingraft, कि वो बस उस वक्त मैड होता है जब उसने कुछ कोई चाल चलनी होती है. एंड हिज सक्सेस इज कन्विंसिंग हर ऑफ हिज इनसैनिटी, और वो अपनी सैनिटी जो है
उसके बारे में सक्सेसफुल हो गया कि वो उसको यकीन दिला सके कि वो पागल नहीं है, वो अकलमंद है। इंसेनिटी मैडनेस को कहते हैं, सैनिटी जो है अकलमंद को कहते हैं, या अपने होशोबास में। द व्यूज दैट हैमलेट इज डेफिनेटली मैड और दैट हिज मैडनेस इज कम्प्लीटली फाइन एंड देयर इज नो ट्रेस ऑफ मैडनेस इन हिम आर एक्सट्रीम व्यूज। अब ये व्यू कि हैमलेट को डेफिनेटली मैड करार दे दिया जाए, या ये सोचा जाए कि वो कम्प्लीटली फाइन था, कि उसकी मैडनेस जो है पहले से प्लॉटेड थी, देयर इज एंड देयर इज नो ट्रेस ऑफ मैडनेस इन हिम, और वो जो है उसके अंदर कोई ट्रेस ऑफ मैडनेस उसके अंदर शायद ना थी, तो ये शायद एक एक्सट्रीम व्यू है। टी एस एलियट इज ऑफ द ओपिनियन दैट हैमलेट मैडनेस इज लेस देन मैडनेस एंड मोर देन फाइन, कि हैमलेट की जो मैडनेस थी वो लेस देन मैडनेस थी, और मोर देन उसकी जो मैडनेस थी उससे भी ज्यादा थी जो कि उसने प्लॉट की हुई थी, यानी कि जो उसने पहले से सोची हुई थी, प्री प्लान थी, उससे कहीं ज्यादा उसकी मैडनेस थी। He explains by saying that Hamlet may be thrown off his balance momentarily, कि हैमलेट जो है वो मे बी जो बैलेंस है उसको थ्रो कर लेता है, थ्रो ऑन ऑफ हिज बैलेंस कर लेता है मोमेंटरीली, बट ही सून रिगेन सेल्फ कंट्रोल, लेकिन जल्द ही वो रिगेन कर लेता है सेल्फ कंट्रोल को। There is no blinking the fact that there are particular scenes in which Hamlet betrays almost delirious excitement and does act as if he were really mad. और इसमें कोई blinking भी नहीं थी इस fact में कि there are particular scenes in which Hamlet betrays almost delirious excitement, कि कई ऐसी particular scenes आए जिसके अंदर उसने excitement में कई लोगों को betray किया है। Hamlet betrays almost, वो betray करता है। And does act as if he were really mad. और बहुत सारे ऐसे scenes भी आए जिसमें ऐसे लगा जैसे वो वाकई mad है। The modern psychological interpretation agree with this view. The psychologist suggests that there is something diseased and morbid about Hamlet's personality. के हम कुछ psychologists ये भी suggest करते हैं कि Hamlet की personality के अंदर कुछ diseased और morbid, यानी कि वो psychologically भी शायद ill था, and his thought processes, और यही उसकी जो thought है वो process करती है, and he is conscious of this, और वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा conscious. His assumption of madness is a kind of defense mechanism. और उसकी यही assumption of madness जो थी वो एक kind of defense थी, defense mechanism थी. He pretends to be mad in order to protect himself from the approach of real madness. और वो pretend करता है कि वो शायद mad है in order to protect himself, ताकि वो अपने आप को protect कर सके from the approach of real madness, real madness की approach से. Insanity often follows when violent emotions are repressed. Insanity सिर्फ तब follow करती है जब violent emotions जो है वो repress हो जाते हैं. Hamlet's fine madness enables him to give free expression to his feelings. Hamlet की ये जो fine madness थी, जो plotted madness थी, वो उसको उसकी feelings को free expressions जो है वो देती है, देने के काबिल बनाती है. Relieves the pressure on his mind, और यही उसकी madness जो है उसके mind का pressure जो है उसको relief करती है, and thus saves him from real insanity, और उसको real insanity से, real madness से save करती है. यानी कि एक इंसान के अंदर जब एक जज्बातियत का उसको दौरा पड़ता है ना, तो it means के वो जो उसका inward catharsis होता है उसको inwardly जो है emotional relief मिलता है. अब आप देखें ना, आप एक ड्रामा देख रहे होते हैं, वैसे तो ड्रामा चल रहा होता है लेकिन रो आप रहे होते हैं, एक्चुअली दैट इज योर कैथार्सिस ऑफ योर इमोशंस. और नॉर्मली ऐसे ही होता है, बाज़ औकात हम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं और उसके बाद हम रोना शुरू कर देते हैं. एक्चुअली एट दैट टाइम हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं उनको उनका एक कैथार्सिस हो रहा होता है, और इट इज अ साइकोलॉजिकल नेसेसिटी, और ये एक साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है. इट इज मोर देन फाइंड एंड लेस देन मैडनेस, और ये बहुत ज्यादा है फाइंड से और लेस देन मैडनेस, और ये मैडनेस से बहुत कम है कि एक इंसान का साइकोलॉजिकल कैथार्सिस होना चाहिए. ब्रेडली गोज टू द रूट ऑफ द मैटर एंड पॉइंट्स आउट दैट हैमलेट इज नॉट मैड. ब्रेडली कहता है कि हैमलेट कोई पागल नहीं था, और वो पॉइंट आउट करता है कि हैमलेट मैड नहीं है, ही इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन,
वो भाई फुली रिस्पॉन्सिबल था और वो पूरे अपने होशो हवास में था जब वो जो भी एक्शंस करता था, बट ही सफर्स फ्रॉम मेलनकोलिया. लेकिन वो एक्चुअली गम से सफर हुआ था, वो पागल नहीं था. वो जो उसके अंदर एक गम की कैफियत थी, शिद्दत उसके अंदर जो गम की शिद्दत थी, एक्चुअली वो उसकी वजह से सफर कर रहा था. अ पैथोलॉजिकल स्टेट विच मे डेवलप इनटू लुनेसी, जो कि ये वो पैथोलॉजिकल स्टेट होती है. लुनेसी कहते हैं दिमागी तवाजुन खो देना, ठीक है. लुनेसी कहते हैं जब आपके ऊपर कोई जादू हो जाए और आप अपना दिमागी तवाजुन खो दें, उसको कहते हैं लुनेसी, ठीक है. तो इसको दोनों मीनिंग्स में ले ले सकते हैं कि ऐसे जैसे जादू हो गया और आप अपना दिमागी तवाजुन खो दें, या वैसे दिमागी तवाजुन खो देना, इसको भी लुनेसी कहते हैं. तो वो जो पैथोलॉजिकल स्टेट है विच में वेल डेवलपमेंट टू लुनेसी हिज डिस्गस्ट विद लाइफ कैन इजीली एज्यूम द फॉर्म ऑफ एन इररेजिस्टिबल अर्ज फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन. और उसकी यही डिस्गस्ट थी जो लाइफ के साथ थी, जो कि इजीली एज्यूम करती थी द फॉर्म ऑफ एन इररेजिस्टिबल अर्ज फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो कि इररेजिस्टिबल अर्ज उसके अंदर थी कि वो अपनी सेल्फ अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता, क्योंकि उसको लाइफ से नफरत हो गई थी. तो नॉर्मली साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो एक इंसान को जब लाइफ से नफरत हो जाती है फिर क्या होता है कि वो इररेजिस्टिबल अर्ज होती है फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वहां तक वो पहुंच जाता है, उसको फॉर्म करता है. हिज फीलिंग एंड विल आर ऑलरेडी डिसऑर्डर्ड. उसकी फीलिंग्स और विल हमें पहले से ही डिसऑर्डर्ड हो चुकी थी, एंड द डिसऑर्डर माइट एक्सटेंड टू सेंस एंड इंटेलेक्ट. और ये डिसऑर्डर जो है वो एक्सटेंड कर गया था उसकी सेंस और इंटेलेक्ट के ऊपर. हिज मेलनकोली अकाउंट्स फॉर हिज नर्वस एक्साइटेबिलिटी. उसकी यही गम की कैफियत जो है उसकी नर्वस एक्साइटेबिलिटी के ऊपर हावी हो गई थी. हिज लॉन्गिंग फॉर डेथ, और वो डेथ के लिए विश करने लग गया था. हिज इररेजोल्यूट फॉर डिले, और यही उसके सॉरी इररेजोल्यूशन फॉर डिले, कल हमने डिले की थीम पढ़ी थी, और यही उसका इररेजोल्यूशन था फॉर डिले. उसके इररेजोल्यूट हो जाना यानी कि अपने जो आपका मकसद है उससे हट जाता था, और यही उसके डिले का भी इसके डिले की रीजन थी कि वो अपने चचा को कत्ल करने में डिले कर रहा था. इट अकाउंट्स फॉर मच दैट इज रॉन्ग विद हिम, और इससे भी ज्यादा ये उसके साथ गलत था, दैट ही हैज बीन टेकन टू बी मैड इवन बाय मोस्ट डिसर्निंग क्रिटिक्स इज एन अदर प्रूफ ऑफ शेक्सपियर्स जीनियस. और इट अकाउंट्स फॉर मच दैट ही हैज बीन टेकन टू बी मैड, और उस वो पागल भी हो चुका था इवन बाय द मोस्ट डिसर्निंग क्रिटिक्स. बहुत से डिसर्निंग क्रिटिक्स ने भी उसके बारे में यही कहा, इज एन अदर प्रूफ ऑफ शेक्सपियर जीनियस, कि उसका ये पागलपन भी, कि एक जीनियस को एक पागलपन तक लेके जाना, ये भी शेक्सपियर की जीनियस थी कि उसने एक कैरेक्टर के अंदर इस हद तक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को शो किया. टू कार्डिनल वाइज मैन ही वॉज मैड विद वट इज फाइन एज लाइक अ पॉसिबल टू द रियल थिंग. वो कहता था कि वो सॉरी मेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ही वॉज मेड वट इज फेंट, कि वो उसके लिए, या मेड नहीं होगा बेटा यहाँ पे, मैड है. ही वॉज मैड, ही हैज मैड मेड सॉरी ही हैज मेड, उसने वो बना दिया वट इज फाइन, जो कि उसने पहले से सोचा हुआ था या प्लॉट किया हुआ था, एज लाइक अ पॉसिबल टू रियल थिंग, जैसे रियल थिंग को जैसे रियल थिंग के अंदर पॉसिबल होता है. मच डिपेंड्स अपॉन द डेफिनेशन ऑफ मैडनेस. इफ द टर्म इंक्लूड अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट कॉन्सिक्वेंट अपॉन सम अनयूजुअल हैपनिंग, हैमलेट माइट बी कॉल्ड मैड. तो अगर तो कोई अनयूजुअल हैपनिंग के बारे में बात होती तो हैमलेट को हम पागल कह सकते थे. इफ मैडनेस नेसेसरली इम्प्लाइज मेंटल एबरेशन, कि अगर मैडनेस जो इम्प्लाई करती है मेंटल एबरेशन को एंड इरेस्पॉन्सिबिलिटी को, हैमलेट स्पोकन थॉट अलोन प्रूव हिम टू बी सेम. तो हैमलेट की जो स्पोकन थॉट्स थी वो काफी थी कि वो उसको शो करती कि वो पागल नहीं था, वो अपने होशो वास में था. इनफैक्ट ही फाइंड मैडनेस टू कवर, वो सब ये मैडनेस प्लॉट करता है ताकि वो कवर कर सके एंड एक्सक्यूज हिज इररिप्रेसिबल एक्साइटेबिलिटी सॉरी एक्साइटेबिलिटी, ताकि वो अपनी इस इररिप्रेसिबल
एक्साइटेबिलिटी को एक्सक्यूज कर सके, यानी कि इररिप्रेसिबल, यानी कि ऐसी फीलिंग जो रिप्रेस ना हो सके. और एक्साइटेबिलिटी, ये जो हमारा इमोशनल एक एक्साइटेबिलिटी होती है ना, एकदम से फट पड़ना, तो वो एक्चुअली उसको जो है दबा सके, उस एक्साइटेबिलिटी को दबा सके, तो वो इसलिए मैडनेस को फाइंड करता है, प्लॉट करता है, वो मतलब वो इस तरह से एक्ट करता है. His keen intellect lays hold upon the safeguard of pretending to be mad. और उसका keen interest यही था कि वो जो है इसी तरह से pretend करें, यानी कि act ऐसे करें जैसे वो के mad है. So that his real thought may not be known to the spies around him. इसलिए उसकी जो real thought थी वो जो है जो उसके इर्द-गिर्द जो enemies हैं वो उसकी thought को ना समझ सकें. No purpose would have been served by making Hamlet really mad. और कोई ऐसा purpose नहीं था जिससे ये have been served by making Hamlet कि जिससे Hamlet वाकई ही पागल हो जाता. आगे points to remember हैं. ये वो points हैं जिसके ऊपर ये पूरा note लिखा हुआ है. Like अब यहाँ पे different critics हैं, उनके नाम हैं, उनके names हैं जिन्होंने Hamlet की madness के बारे में कहा. सबसे पहले फॉरन एंड डोर विल्सन थिंक दैट हैमलेट इज रियली मैड. नंबर टू, मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स बिलीव दैट हैमलेट मैडनेस इज फाइंड, कि प्लॉटेड थी ऑलरेडी पहले से. टीएस एलियट बिलीव दैट हैमलेट मैडनेस इज लेस देन मैडनेस एंड मोर देन फाइंड. ब्रैडली सेज दैट हैमलेट इज नॉट मैड बट ही सफर्स फ्रॉम मेलनकोली. वो मैड नहीं था बल्कि वो मेलनकोली, गम से सफर किया था, इसलिए वो ऐसे एक्ट कर रहा था. अब देखिए डिफरेंट क्रिटिक्स हैं, उनके हैमलेट के बारे में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है. हैमलेट फाइंड्स मैडनेस टू कंसील हिज एक्चुअल डिस्टरबेंस ऑफ माइंड. और वो क्यों एक्ट करता है मैडनेस के लिए, ताकि वो एक्चुअल डिस्टरबेंस ऑफ माइंड को कंसील कर सके. ये आपका आज का टॉपिक जो है दैट हैव एंडेड. अच्छा,